This is Dr. Rupali Deshmukh from Dr. Amina classes, and today we are doing chapter 4, revision, reproductive health. Now, reproductive health ki definition jo hai, wo do teen tariqo se di hai, lekin according to WHO, diya hua hai NCRT mein, wo aati hai, to wo dekhiyega. Then, Family Planning Program initiated in 1951, date important hai. Aur uske saath other programs like RCH, Reproductive and Child Health Care, wo bhi important hai. Uske kya motives hain, wo sab diye hue hain. Strategies, motives, wo sab achche se padhiye. Points, question aa sakta hai. Aur why there is a statutory ban on amniocentesis? उसका क्यों लगाया है बैन. सो फीमेल फीटिसाइड बहुत बढ़ गया था. वो सब पॉइंट्स आपको लर्न करने. फिर एक वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. सहेली, ये एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो नॉन स्टेरॉयडल है, वंस अ वीक पिल है, साइड इफेक्ट्स कम है और ये फीमेल्स के लिए डेवलप की है. कहाँ डेवलप हुई है? बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ. रीजंस विच शो इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी. सो कौन से रीजंस है? डिक्रीज, बहुत सारे रीजंस है. डिक्रीज मैटर्नल एंड इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, देन स्मॉल फैमिलीज हो गई हैं, क्योर अच्छे हो गए STDs के, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी, ऐसे कई रीजंस हैं. सो ये रीजंस हैं, इनको देखिएगा, क्वेश्चन बनता है. देन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एट एंड बर्थ कंट्रोल, कैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए. पहले तो ये देखें कि वर्ल्ड में 1900 में 2 बिलियन थी पॉपुलेशन, फिर 6 बिलियन बाय 2000 एंड वर्ल्ड की पॉपुलेशन, एंड 7.2 बिलियन इन 2011. सेम ट्रेंड इंडिया में भी फॉलो हुआ है, 350 मिलियन इंडिपेंडेंस के टाइम, देन बिलियंस में आ गई 2000 में, और इट क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन 2011 में के सेंसस में. तो क्या रीजन है इसका? वो रीजंस पॉइंट्स में दिए हैं, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, देखिएगा वो. नाउ Raising marriageable age of female to 18 years and males to 21 years. ये करने से जो है ये population को रोका जा सकता है और भी कई तरीके. तो इस chapter में एक important तरीका जो कि population को रोक सकता है and बहुत ज़रूरी है, that is those are contraceptive methods. सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो 2 मार्क्स हो, 1 मार्क हो, 3 मार्क हो, इन एनी फॉर्म वो आते हैं. हाउ शुड बी एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज. सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या सिग्निफिकेंस है, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो देखिएगा, क्वेश्चन आता है. फिर कितने टाइप्स के हैं? नेचुरल मेथड, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू मीट. उसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करते हैं? तो वो है पीरियोडिक एब्सटेनेंस, यानी जो ओव्यूलेशन के आसपास वाले दिन हैं वहाँ अवॉइड करना कोइटस, देन विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, पेनिस को विड्रॉ कर लेना बिफोर इजैक्युलेशन, देन लैक्टेशनल एमेनोरिया, 6 मंथ्स तक मिल्किंग मदर में जो है वो एक तरह का कॉन्ट्रासेप्शन ही होता है. सो दूसरा बैरियर मेथड, ये कॉन्डम्स होते हैं रबर के बने फॉर मेल्स, इम्पॉर्टेंट वाला जो कॉमनली कमर्शियली बिकता है, दैट इज निरोध मेल बैरियर. फीमेल के लिए बैरियर्स हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, ये फीमेल कॉन्डम्स हैं. इसके संग स्पर्मिसाइडल जेली क्रीम लगा के और इफेक्टिव हो जाता है कॉन्ट्रासेप्शन. नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. नाउ एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, IUDs. उसमें कैटेगरीज हैं नॉन मेडिकेटेड, जैसे लिप्पीज लूप, बिल्कुल उसको रट लीजिए. कॉपर रिलीजिंग है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375. हार्मोन रिलीजिंग है प्रोजेस्टासर्ट LNG 20. ये बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए,
ठीक है, कॉपर रिलीजिंग में हर साल क्वेश्चन आता है कॉपर क्यों, सो व्हाई इट इज मोस्ट, दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन इंडिया. तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए. नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो पिल्स के फॉर्म में अपन लेते हैं, वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं प्रोजेस्टाजेंस और ईस्ट्रोजन का, या सिर्फ प्रोजेस्टाजेंस, इट कैन बी आइदर ऑफ द टू. और वो पिल्स हो सकती हैं और पिल्स के फॉर्म में वो लेते हैं. देन इमरजेंसी पिल्स होती हैं, सपोज रेप का केस है या कोई ऐसा है, तो आफ्टर कोइटस 72 आवर्स बाद भी इमरजेंसी पिल्स लेके और कॉन्ट्रासेप्शन अटेन कर सकते हैं. फिर स्टरलाइजेशन मेथड, ये 100% मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, स्टरलाइजेशन मेथड. इसके दो इम्पॉर्टेंट तरीके हैं, वेजिक्टमी एंड ट्यूबिक्टमी. वेजिक्टमी इज वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देना ताकि पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए स्पर्म का, और ट्यूबिक्टमी फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर देना इन फीमेल्स. सो ये दोनों ही तरीके डॉक्टर एक मेडिकल डॉक्टर के असिस्टेंस में ही होना चाहिए. देन बहुत इम्पॉर्टेंट एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कि क्या अमेंडमेंट हुआ वो पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है. एंड इट इज सेफ अप टू 12 वीक्स. देन एसटीडी इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क 2 मार्क कैसे भी आ सकता है. कौन सी एसटीडीज? गोनोरिया कॉज बाय बैक्टीरिया नाइसेरिया गोनोरे, देन सिफिलिस, ट्रेपोनीमा पैलेडम, जेनाइटल हर्पीस, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस एंड एचआईवी, ऑल आर क्योरेबल. तो ये ध्यान दीजिए. और एडेड बताती हूँ, एसटीडीज, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स सबसे इम्पॉर्टेंट. देन लास्टली जो है वो इनफर्टिलिटी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन हर साल बनता है इसके ऊपर. और इनफर्टिलिटी जिन कपल्स को है उनके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें IVF फुल फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड देन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी. उसमें जिफ्ट और गिफ्ट, जाइगोट, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाए तो IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर फीमेल्स में करते हैं. और गिफ्ट, गिफ्ट नाम में ही गिफ्ट है, यू गिव समथिंग टू द अदर, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इन टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, दिस इज गिफ्ट. दोनों ही पूछे जाते हैं. देन फॉर मेल्स, इफ मेल्स का स्पर्म काउंट कम है तो उनके लिए टेक्निक है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये प्रोसीजर करते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या तो वेजाइना में स्पर्म इंट्रोड्यूस करेंगे या यूट्रस में. जब यूट्रस में करेंगे सो इट इज IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. और अगर कोई कपल को इनफर्टाइल कपल किसी भी वजह से है और ये सब टेक्नोलॉजी से अगर उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो लास्ट में उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन मोर ऑप्शन इज देयर एंड दैट इज एडॉप्शन. सो अ कपल कैन ऑलवेज गो फॉर एडॉप्शन इफ दीज टेक्नोलॉजीज आर नॉट वर्किंग. सो दिस वॉज अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ.